अस्सलामुअलैकुम एबडा के दोस्तों, एबडा के तमाम पंजाब के मेम्बरान के लिए खुशखबरी है। तो मैंने अभी मुझे कॉल आई है, तो फिर मैंने कहा यह खुशखबरी फौरी तौर पे अपने कार डीलर भाइयों को भी सुना दी जाए। आज माशाल्लाह से एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की तरफ से जो भेजी गई समरी थी काबीना में, वो आज अप्रूव हो गई है और सीएम पंजाब ने भी साइन कर दिए हैं और अप्रूव हो के ये अब वापस आ जाएगी। और इंशाल्लाह 10 तारीख से, 10 सितंबर से बायोमेट्रिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पे पंजाब में 3 माह के लिए सस्पेंड हो जाएगा। और 3 माह के बाद जब दोबारा ये, हमारी वैसे कोशिश ये है कि इस बायोमेट्रिक निज़ाम को हम वैसे ही ख़त्म करवा दें, लेकिन अगर हुआ तो फिर पंजाब इस्लामाबाद की तर्ज पे दोबारा लागू होगा। कोशिश ये है कि बायोमेट्रिक को मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही करवा दें, और अगर ना हो सका तो फिर इस्लामाबाद की तर्ज पे इंशाल्लाह होगा। और इस खुशखबरी में जनाब हमारे एबडा पंजाब के जो चेयरमैन हैं शुएब खान साहब, उनका बड़ा अमल दखल है, क्योंकि आसिफ नकई साहब जो मिनिस्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के, वो शुएब खान साहब के करीबी अजीज़ हैं, तो उन्होंने स्पेशल ये फेवर शुएब खान साहब के ज़रिए पंजाब के कार डीलर्स को दी है कि वो ये समरी बाय हैंड लेके गए और आज उन्होंने अप्रूव करके बाय हैंड उधर से सेक्शन एक्साइज को भेजी। तो 10 तारीख से इंशाल्लाह पंजाब में बायोमेट्रिक का निज़ाम 3 माह के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो शुएब खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जो काम जिस वक्त होना होता है उसी वक्त होता है जिस वक्त उसका टाइम मुकर्रर हो। आपको पता है ये 4 दफ़ा समरी गई है एक्साइज की तरफ से, और जब गवर्नमेंट के पास पहुंची थी पंजाब गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट टूट जाया करती थी। तो वो समरी गवर्नमेंट टूटने की वजह से वापस आ जाती थी। अब जब ये समरी दोबारा गई थी तो हमारी तो दुआएं थी सबकी कि खुद अल्लाह करे ये गवर्नमेंट उस वक्त तक कायम रहे जब तक ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की समरी बायोमेट्रिक वाली हुकूमत अप्रूव ना कर ले हुकूमत पंजाब। तो आज जनाब हुकूमत पंजाब ने उसको अप्रूव करके, काबीना ने अप्रूव करके, और परवेज राई साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने साइन करके मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब आसिफ नकई साहब के हवाले कर दी। उनका फ़ोन अभी शुएब खान साहब को आया और शुएब खान साहब ने मुझे फ़ोन किया और बताया ये खुशखबरी दी। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी फौरी तौर पे ये खुशखबरी दी जाए। आप दोस्तों ने बहुत इंतज़ार किया, हमने 8 माह मेहनत की, बड़ी दौड़ धूप की, लेकिन जिस वक्त काम जिस टाइम पे होना होता है तभी होता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारी मेहनतें और जो हमारी कोशिशें थी लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन की, एबडा की, इस बायोमेट्रिक के निज़ाम को ख़त्म कराने के लिए, वो अल्लाह ताला ने कोशिशें हमारी कामयाब कर दी और आज ये बायोमेट्रिक का निज़ाम की समरी अप्रूव हो के वापस आने की खुशखबरी हमें मिली है। तो पंजाब के तमाम कार डीलर्स भाइयों को मुबारक हो। और एक गुजारिश मेरी अब कार डीलर्स भाइयों से है कि इस 3 माह के अंदर अंदर पंजाब की तमाम गाड़ियों की, पंजाब की वो तमाम गाड़ियां जो बायोमेट्रिक ना होने की वजह से अभी तक लावारस खड़ी थीं, और उनको फौरी तौर पे ट्रांसफ़र करवा लिया जाए, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं शहज़ादा सलीम, सदर लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन और वाइस चेयरमैन एबडा पाकिस्तान, अपने तमाम कार डीलर भाइयों को मुबारक देता हूं और साथ शुएब खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।